অনেকগুলো ধরে বাহ সুদি বাহ কে ডাইটিং কে ডাইটিং गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी सुबह सुबह पानी वानी भरना, पानी बॉयल करना वह सब हो गया। ये क्या है पता है, ये सूरन है। सूरन को मैंने बॉयल करने के लिए देख के नहाने के लिए चली गई थी। सांतनु को बोला था सांतनु ऑफ कर देना गैस को 10 मिनट बाद, तो उसने 10 मिनट बाद तो ऑफ किया। और पूरा किचन थोड़ा बिखरा है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। थोड़ा इग्नोर करना वह सब चीज़ें, क्योंकि अभी उतना ऑर्गेनाइज करके काम करना नहीं हो रहा है। मेरे हाथ पर वैसे भी दर्द हो रहा है, क्या करें। लाइफ है, लाइफ तो चलता रहेगा, लाइफ तो किसी की वजह से रुकेगा नहीं। और यहाँ पे ये जो बेबी पोटैटो है ना, इसको बॉयल करके पानी ड्रेन कर लिया, इसका छिलका निकालना है पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे, खुश रहना, हैप्पी रहना, दिल से मधुर रहना, दिमाग से स्मार्ट रहना। अभी सुबह नहीं, 11:30 ऑलमोस्ट बज चुका है। और डोसा बैटर, ये देखो डोसा बैटर बना के रख दिया। ये धीरे धीरे फूकता रहेगा, मतलब फूलेगा। इसको ना गर्मा गर्म में कर लेते हैं। ये वाला कच्चा है, कच्चा नहीं है वो, कुछ कुछ जगह का होता है। ये सूरन ओल्ड जिमिकन, ये जो ब्लैक किसमिस है ना, ये रात को भिगो के रखा था, 4-5 खा लेते। सुबह से कुछ नहीं खाया आज मैंने। किचन में ना खड़ा हो के काम नहीं हो रहा, पीठ में ना, मतलब पीठ का क्या बोलते हैं, रिब जो होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाथ में भी तो, हाथ में तो मेरा वो जो टेनिस एल्बो वापस आ गया। चलो मेरे चलते, क्योंकि तुम्हारे चलते नहीं, मेरा भाग्य के चलते। टेनिस एल्बो बहुत कष्ट, लेफ्ट हैंड में ही हो रहा है ना ये। मैं पहले राइट हैंड में हो रहा है, कुछ भी उठा नहीं सकती थी। बेलन चक्की भी बेलना नहीं होता था, रोटी बेलना बंद, डॉक्टर ने मना कर दिया था। ठीक हो गया था वो, फिजियोथेरापिस्ट के पास जा जाके काफी साल लगा था उसको। ठीक है, अभी फिर से यहाँ से जो दर्द हो रहा है ना, अभी क्या करे, काम तो करना पड़ेगा, कोई तो और है नहीं जो करके देगा। इस टाइम पे सासू माँ रहती, मम्मी रहती, तभी तो मेरा नसीब में नहीं है, ले आना भी दिक्कत है। हाँ, लेके आएगा अगर क्या, अरे देखो नजदीक में होता तो लेके आ जाती, क्योंकि मम्मी और सासू माँ अकेले नहीं आ सकते। नहीं, वही प्रॉब्लम है, आना पड़ेगा इस टाइम पे। सच में बोलते हैं ना, जिस टाइम पे जरूरत होता है अभी कैसे लाए, लाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, तब क्या फायदा। दोनों को मैंने बोला है अकेला आने की कोशिश करो, नहीं अकेला आना नहीं मुश्किल है। कोकोनट वाटर, ये 3rd नंबर कोकोनट वाटर चल रहा है। सुबह 6:30 बजे से सांतनु का खाने का स्टार्ट होता है, सबसे खाते जाओ खाते जाओ, ऐसा सेवा मिलेगा नहीं तुमको। 3 नंबर कोकोनट वाटर 6:30 बजे से मैंने, बेचारा नींद के मूड में रहता है तब मैं उसको खिलाते रहते हूँ। सेवा नहीं करूंगा तो जल्दी जल्दी ठीक कैसे हो गए, करना तो पड़ेगा, इसको ठीक करूँ पहले। अभी मैं अनार खाना भूल गई थी आज, मैंने कुछ नहीं खाया। सुबह खा लेंगे, पहले अनार खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं खाना खा लेंगे एक बार। हाँ तो क्या, पहले जमाने पे एक ही बार खाना था सुबह में। शादी का सीजन में अर्बन कंपनी के साथ तैयार हो, मैंने बुकिंग किया था उनका ऐप से ही, ऐप के थ्रू। घर पे कैसे होगा पता नहीं, कौन आएगा ये माइंड पे एक डाउट था, मैं जानती भी नहीं हूँ उनको। लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड से पता चला, बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने काफी बार करा चुके हैं। ब्यूटिशियन पूरा सलून सेटअप लेके आते हैं, को सैनिटाइजर दिया, लेकिन वो खुद ही सैनिटाइजर लेके आए थे। उन्होंने अपना बैग को पहले सैनिटाइज किया, उसके बाद घर के अंदर आके पहले हाथ को भी सैनिटाइज किया था, घर के अंदर आके और एक बार हाथ को सैनिटाइज किया। उन्होंने स्टूल आया था, मुझे कोई चेयर वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ा, स्टूल को भी सैनिटाइज करना, उनका जो भी सेटअप था वो बैग के अंदर सब कुछ लेके आई थी, ग्लव्स पहनना, उसके बाद सारे सामान उन्होंने धीरे धीरे निकालना, और बेडशीट खराब ना हो तो उन्होंने डिस्पोजेबल सीट लाए थे, सब कुछ उनका अरेंज रहता है, कोई भी मेस नहीं होता है, सर्टिफाइड और वेरीफाइड ब्यूटिशियन होता है। घर पे आते हैं तो महंगा तो होगा ये माइंड पे आया था, लेकिन जब चेक किया उनकी ऐप से, फुल सैलून पैकेज एट जस्ट ₹349। ये जो किट है ये सिंगल यूज के लिए होता है। उसके बाद सारे सेटअप उन्होंने सैनिटाइज करके आया था, फिर भी घर के अंदर और एक बार सैनिटाइज कर लिया, और उन्होंने डिस्पोजेबल गाउन दिया है, लेकिन मैं चेंज नहीं किया है क्योंकि मैं इसी में कंफर्टेबल थी। मेरी जो ब्यूटिशियन आई थी वो है जयत्री सिंह, बहुत अच्छी है,
इनके सारे प्रोडक्ट सिंगल यूज और जेन्युइन होता है, एक ही बार में यूज करते हैं सारे। एक्सपर्ट ब्यूटिशियन विद 5+ ईयर एक्सपीरियंस है, वेरीफाइड और सर्टिफाइड भी है। जैत्री डिस्पोजेबल बैंड भी लाए थे। मैं वाइन फेशियल करा रही हूँ जो न्यूली लॉन्च है फेस्टिव ग्लो के लिए। 6 स्टेप्स मैंने काफी सारे सैलून से घर पे भी कराया, लेकिन अर्बन कंपनी का ये फैसिलिटीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये खुद के हिसाब से बुक कर सकते हैं 7 डेज अ वीक 7 AM to 7 PM। नो ट्रेवल टाइम, नो वेटिंग, क्योंकि बाहर पे सैलून पे जाके आपको ट्रेवल तो करना ही पड़ता है, उसके साथ साथ वेटिंग भी करना पड़ता है। ये प्राइस में घर पे आके वो भी सारे डिस्पोजेबल चीजों के साथ, और वो भी हाइजीन मेंटेन करने के साथ, और जो फेशियल का जो स्टेप होता है वो धीरे धीरे, और उसका हाथ भी बहुत अच्छा था। फेशियल का टाइमिंग भी था 70 मिनट्स, उसके बाद लास्ट में फेस मास्क जो होता है वो लगाया। मुझे इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी हॉचपॉच नहीं है एक ही जगह पे, धीरे धीरे इतना मतलब नीट एंड क्लीन मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ मैंने उसको पानी दिया था, उन्होंने पानी मांगा था बस। मुझे काफी अच्छा लगा, उन्होंने जो भी डिस्पोजेबल चीजें लाया था वो सारे अपने साथ लेके बैग में हाइजीन के साथ सब कुछ डिस्पोज किया है। बहुत दिनों बाद मैं फेशियल कराया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लिटरली बहुत अच्छा लगा। वही अभी शांतनु का ये इलेक्ट्रोल वाटर, ग्लूकोज वाटर, वाटर यू वाटर लाइफ में वाटर, पानी पानी पीते जाओ, निकाल पानी पीते जाओ, मतलब पानी और जूस। तेल में थोड़ा सा मस्टर्ड डाल कर सूखी मिर्च, मस्टर्ड को इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर लिया। इसमें थोड़ा सा अगर पाउडर देंगे तो अच्छा होता है, लेकिन जस्ट हल्का सा मैंने क्रश किया है। और जो पोटैटो है, ये एक्चुअली पोटैटो छिलके के साथ होता है, लेकिन सांतर वाला छिलका हटा देना, इसीलिए छिलका हटाया। नॉर्मली इसमें छिलका हटाया नहीं जाता है। फिर पोटैटो को बॉयल करके हाफ हाफ करके अभी इसको सॉल्ट दे के थोड़ा थोड़ा करके फ्राई फ्राई करना है। अरे देखो स्वीटी ने कितना सारे अपना हेयर बैंड, एक पहन ही लेती हूँ, छोटा है सचमुच छोटा है, स्वीटी इसीलिए बोल रही थी छोटा है, आज भी लग रहा है। ये जो सुरन है ना, इसमें सिर्फ मैं घी और नींबू का रस दे के और सॉल्ट दे के मिक्स करना है इसको, और इसको धीमी आंच पर फ्राई फ्राई करना है बस। गर्म बस राइस को, तो रुको राइस खाते इसीलिए तो कल तो सब्जी बना रही हो, सब्जी बच जा रहा है, क्या फायदा। थोड़ा सा तो मतलब जैसे फीवर में भी होता है ना, थोड़ा सा ये दो, ये छिलके का साथ ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन शांतनु वाला छिलका हटा देना। एक चीज दिखाऊंगी, देख के इतना खुशी मिल रही है ना, ये वाला तो ये, अरे देखो बाप रे, कपड़ा यहाँ पे सूखा है या नहीं, ये पूरा इतना सुंदर नतमस्तक जैसा हो रहा है ना, इतना सारा, फिर भी तो झड़ गया कुछ, तो नीचे चला गया। बेडरूम वाला बालकनी का इस तरह से उधर है वो, बुरा मत बोलना, बुरा मत देखना और बुरा मत सुनना वाला टूट गया। ये है फादर, ये है बेबी, ये पेड़ के नीचे ऐसे रहते हैं, कभी कभार कीचड़ लग जाता है तो धो देती हूँ फिर से, ये धो देने से साफ हो जाता है। अच्छा है ना, मिट्टी से खेल रहे। देखो ये दो उल्लू हमारे घर का, और एक उल्लू को देखो योगा कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं बाहर में, वो लाइट जल रहा है ना टिप 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 करके, उसके साथ वो डिस्को डांस कर रहे हैं। करो 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 करो, योगा भी हो जाएगा, ब्रेक डांस भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे चाय चढ़ाई, और देखो चिप्स खाना, चिप्स ये फ्राइड वाला नहीं है ना, ये बेक्ड। सिटी अभी डाइटिंग में है ना, तो इसीलिए नहीं इनकरेज करना चाहिए, अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा कर लेगी। हाँ बेचारा लॉकडाउन में खा खा के होता है, फूल गया, हाँ सब भी हुआ है, सिर्फ स्वीटी नहीं का, उसका काफी सारे दोस्त। बहुत दिनों बाद खाने को मिल रहा है। ये हाँ, ये वाला स्नैक्स, बनाना सोया रागी, क्या क्या है, बनाना सोया रागी, सोया हुआ जो सोता रहता है, जो सोता रहता, कौन सा सोया वाला है ये, मुझे लग रहा है ये वाला सोया होगा, और ये वाला रागी है ना। तो आप लोग भी चिप्स खाओ, हेल्दी वाला स्वीटी खिला रही है, देख के सबको पता चल, बनाना हाँ बनाना तो सिर्फ देख के पता चल जाता है। चलो एंजॉय, सबका अलग अलग टेस्ट हिसाब से बता कौन सा ज्यादा टेस्टी है, सोया वाला ज्यादा टेस्टी। और ये है शांतनु का बकरी वाला दूध, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अच्छा नहीं लगा। शांतनु का स्वीटी का कुछ भी फ्लेवर, मतलब उसका एक अजीब वाला, थोड़ा ठंडा कर लो ना। शांतनु और स्वीटी का ना फर्क नहीं पता चला मुझे, पी के ना बकरी बकरी ही नहीं इनका, लेकिन मैं तो नहीं पी पाई, मैं थोड़ा बहुत ट्राई किया था,
क्योंकि बहुत हेल्दी होता है काफी, मतलब प्राइस ज्यादा है 360 ना, एक लीटर का 360, मतलब काफी जगह पे यहाँ पे मुंबई पे मिल जाता है। और ये मटर छिल के रखा है, और यहाँ पे डोसा बटर का क्या हालत है, और थोड़ा फूकना चाहिए, और थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, गर्मी जितना होता है ना उतना अच्छा होता है। बहुत दिनों बाद आप लोगों को चाय दिखा रही हूँ, मैं भी बहुत दिनों बाद कभी कभार पी लेती थी, किसी किसी दिन चल अच्छा नहीं बना था, कल का चाय अच्छा नहीं बना था, आजकल तो देख के लग रहा है रुको मेरे शुगर ही नहीं डाला। मैं शुगर को बॉयल करके डालती हूँ, पहले मैं कच्चा डाल रही थी लेकिन कच्चा में ना एसिडिटी वगैरह ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए कच्चा से ज़्यादा मैं शुगर को जस्ट लास्ट में थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ। ये ज़्यादा मुझे शूट हो रहा है, डिपेंड करते सबका अलग अलग, चाय कड़क चाय के ना फिटी देख हाले तू सा छानी लिया मैंने। ये मेरा मस्त वाला चाय और ये मैत्री का चाय, दूध भी तब अच्छा तो पियो पियो चाय। सांसु के नाल मंगवाया था मैं, अपने ट्राई करके देखते हैं। अभी कौन होता है बिस्किट खाने की मन नहीं करता, बिस्किट भी नहीं है क्योंकि अभी मुझे चाय पीने की इच्छा ही नहीं कर रहा। अच्छा है ना छूट जाएगा चाय है? अच्छा है ना, ऑफिस आके दरवाजा खोला नहीं तो बोलते चाय सब इंटरेस्ट के साथ वसूल करूंगा। नहीं छूट जाएगा तुम्हारा चाय का अंडा गुलो धोरे। वाह सुधी वाह, क्या डाइटिंग, एक दिन में खत्म कर दो। खत्म हो जाएगा सुधी, एक दिन में खत्म कर दो, हमारा माथा किलो हबे, हमारा माथा तो खेते बाड़ी से ना, तुम लोग एक ही दिन में खत्म कर देगे। मेरा सर खा सकते हो इतना? बस सुधी और मत खाओ, दूध पी लिया उसके बाद पी लो, पीना हो गया उसका। और ये राइस कंजी बना रही हूँ, मेरे सामने का जो दोस्त है ना अनीता, उनकी मदर इन लॉ आंटी ने बोला राइस कंजी बनाने के लिए वो अच्छा होता है। ये जो राइस होता है ना, तो राइस को रोस्ट करके उसको जस्ट हाफ ब्रोकन करना है। सिटी तब से नारियल के पीछे पड़ा हुआ बेचारा, नारियल भी उसको छोड़ नहीं रहा, वो भी छोड़ नहीं रहा, भिगो कर रखा था। ये देख होगा तो निकल रहा है, और जोर से ठोक रहे बाबा, वो तो पानी बचाने की जरूरत नहीं, पहले फेट तो जाए पानी के जो, ये भी पानी बचाएगी, पहले स्वीटी जोर से फटाना पड़ेगा उसको, पानी भी नहीं था, कितना सा पानी निकला है, है? अभी हमारे लिए तो बंदोबस्त, हम कितना दाल खिचड़ी खाए ना सातु स्वीटी, पानी मीठा है वो, थोड़ा सा पानी मीठा होता है, बहुत ज्यादा क्या है। हम लोग खिचड़ी खा के फिर से बेबी हो गए स्वीटी बेबी बचपन में खिचड़ी खाई, इसीलिए डोसा खाने का मन कर रहा था। क्या डोसा खाने का मन कर रहा है? डोसा खाने का उसका मन कर रहा है। तो ये जो गिलोय डांडा लाए थे ना, ये जो ये डांडा, इसी का ही बंदोबस्त चल रहा है। कैसा पीने में है तो थोड़ा सा ट्राई करके देखे, वो तो अच्छा होता है, ऐसे भी इम्यूनिटी के लिए आप पी सकते हो। क्या रिएक्शन दिया अपने नींद से भी कड़ा। We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other, but made us realize. डोसा कैसे पलटना होता है उसके कुछ टिप्स, ऐसे करके इसके अंदर डालना पड़ता है, फिर ऐसे सॉरी ऐसे उल्टा देना पड़ता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिए। डोसा के लिए मैं इडली बना के मेरा जल्दी हो जाता है, इसको डोसा खाना है, डोसा बोला अच्छा एग्जाम होगा हमारे बाबा, क्या ब्लैकमेल है। बोला डोसा बनाते हो ना, तुमको मसाला बनाने की भी जरूरत नहीं, मतलब उसको मसाला डोसा पसंद नहीं है, इसीलिए बोलते प्लेन डोसा बना दो बहुत इजी है। अनियन को अच्छी तरह से रब करना था ना, जल्दी होता है, बड़ा चाहिए छोटा चाहिए बड़ा, मतलब डोसा तो एक भी पसंद नहीं यार इसका, ना जो भी तेल है साइड में गुजर रहा है। गर्मा गर्म थोड़ा सांभर था कल मैंने बनाया था, वो है कल डोसा नहीं बनाया था, सांभर राइस मैंने बनाया, अभी क्या करूँ सब्जी थोड़ा थोड़ा करके बच रहा है। हेलो तुम्हारा डोसा और चटनी, और यह है शांतनु का इडली, अच्छा लग रहा है इडली, ब्लैक पेपर थोड़ा सा घी दे के और सूप के साथ, वाह क्या इडली का कॉम्बिनेशन। बेटी पहले ना एकदम कड़कदार वाला डोसा मुझे बोला एकदम पापड़ जैसा बना, अभी बोल रहे नहीं नहीं सॉफ्ट वाला बना। तुम्हारा नाम का गॉसिप चलता है, चाहिए सुनना है, थोड़ा नरम नरम खाना चाहिए ना कभी कभार। देखो मुझे बनवाया कड़कदार, अभी बोले नहीं खाऊंगी, लो अभी मैं और मम्मी हो ना, कांदा दबड़ेंगे मुझे।
और ये तेल का डब्बा खोलेंगे, यहाँ पे तेल गिर गया, मेरा ही काम बढ़ गया, जब काम ज्यादा रहता है बढ़ जाता है। तो बस वीडियो को भी यही पेंट करते हैं। वीडियो का किसी भी रीजन पे अच्छा लगा लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव ऑल माय फ्रेंड्स। डू यू नो हाउ मच आई लव यू, यू पुट माय फेवरेट सॉन्ग ऑन, आई पुट माय फीट अप।